आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एलगी एयर कंप्रेसर TS03LB, और ये जो है इसका मैक्सिमम 12 kg, मैक्सिमम 12 kg जो है ये 12 kg प्रेशर जनरेट कर सकता है। और इसका टैंक का कैपेसिटी 200 लीटर्स है। ये टू स्टेज एयर कंप्रेसर है, और इसमें लगाया है 3 kW का सीजी का मोटर लगा हुआ है इसमें। एक्चुअली एलगी जो है सिंगल फेस एयर कंप्रेसर है। एलगी सिंगल फेस एयर कंप्रेसर बनाता नहीं है, तो कंपनी क्या करती है कि जिनको एलगी का एयर कंप्रेसर यूज़ करना है तो उनके लिए भी कुछ इस तरह से कि अपना जो 3 फेस का जो मोटर लगा था इसमें, तो वो लोग जो है सीजी के मोटर से रिप्लेस कर देते हैं। ये सिंगल फेस 3 kW का मोटर है सीजी का, और इसका क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी है जो अभी तक जो मुझे लगा है इसमें। ये है इसका एयर फिल्टर, इसका एयर फिल्टर है, और ये टू स्टेज एयर कंप्रेसर है। ये है LP, ये LP और ये HP, और ये इंटरकूलर है, ये आफ्टर कूलर। ये जो एल्यूमिनियम का पाइप कूलर है ये आफ्टर कूलर है, ये इंटरकूलर। और इसमें एक प्रेशर रिलीफ वाल इधर दिया है इंटरकूलर में, एक दिया है ये आफ्टर कूलर के बाद, और एक दिया है यहाँ पे प्रेशर स्विच से पहले। और ये इसमें ये है इसका प्रेशर गेज, 0 to 25 kg प्रेशर गेज दिया है इसमें। ये मैक्सिमम इसका ये प्रेशर बना सकता है 12 kg। और इसमें और ये स्टार्टर दिया है, स्टार्ट स्टॉप, और जो यहाँ पे जो ये फिटिंग है जो ये यहाँ से निकाला गया है, जो इसमें ये जो है एक्चुअली 3 HP 3 फेस मोटर था इसमें, तो 3 फेस तो सिंगल फेस में नहीं बनाते हैं कंपनी, तो इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने सीजी का मोटर जो है बाद में रिप्लेस किया है। मेरे ये देखिए यहाँ से ये लगा रखा है बाद में, और ये इसका हो गया एयर डिस्चार्ज के लिए, और ये ड्रेन पाइप है। यहाँ से बस इसमें एक ही इश्यू ये लगा कि इससे जो है जो कलर जो ड्रेन होता है इसमें जो पानी का कलर है ये थोड़ा ब्राउन कलर का आता है, यानी इसके इस टैंक के अंदर जो है कोई स्पेशल कोटिंग नहीं किया इन्होंने, बस एक ही इश्यू इसमें अभी तक जो मिला मुझे। और जो इसका रेट बस इसका बेल्ट है और कूलिंग फैन है, इसको प्रॉपर तरह से कवर किया हुआ है। ये है इसका साइड से व्यू, इसमें कोई ऐसा प्रॉपर तरह से दिया है कुछ सब कुछ इसमें। ये देखिए क्रैंकेस ब्रीथर, ये ब्रीथर पाइप भी दिया है। ये जो है ये वापस एयर फिल्टर में आ गया फिर से, क्रैंकेस ब्रीथर। और बाकी जो है इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका जो थिकनेस है ये भी ठीक ठाक है, बहुत पतला भी नहीं है, ठीक ठाक है। इसका बेस भी ये है, और ये मेड इन इंडिया है, ये हमारे देश में ही बना है कोयम्बतूर में।